नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे हरड़ के फायदे और नुकसान के बारे में, हरड़ के औषधीय गुणों के बारे में, इसके क्या औषधीय लाभ हैं, यह कौन कौन सी बीमारी में काम करता है, इस संबंध में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का औषधीय पौधा हरड़। हरड़ या हरक की त्रिफला के तीन फलों में से एक होती है। आयुर्वेद में दवाई के लिए हरड़ का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। हरड़ के फायदे की वजह से ही यह सिर्फ दवाई के लिए ही नहीं बल्कि सुंदरता के लिए भी काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। हरड़ के हर भाग जैसे जड़ और छाल का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या है हरड़? हरड़ 7 तरह की होती हैं और यह भेद स्वरूप के आधार पर किया गया है, जो कि इस प्रकार है: विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी। लेकिन आज के समय में यह सिर्फ 3 तरह की ही मिलती है, जिन्हें लोग अवस्था भेद से एक ही पेड़ के फल मानते हैं। यह कई गुणों वाला पेड़ हर जगह मिल जाता है, जिसकी ऊंचाई 24 से 30 मीटर होती है। इसके मध्यम आकार के पेड़ की कई शाखाएं होती हैं। इसके पत्ते चमकदार, अंडे और भाले के आकार के होते हैं। इसके फल अंडे के आकार के या गोल होते हैं और पकने के बाद वो पीले और नारंगी भूरे रंग के हो जाते हैं। फलों के पिछले हिस्से पर रेखाएं होती हैं। जो फल कच्चे होने पर भी गुठली बनने से पहले ही तोड़ दिए जाते हैं, उन्हें हरड़ कहा जाता है और यह पीले रंग के होते हैं। पूरे पके हुए फल को बड़ी हरड़ कहते हैं। हरड़ के फायदे: आयुर्वेद में हरड़ का कई तरह की दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। हरड़ के फायदे होने की वजह से अलग अलग तरह के रोगों के लिए हरड़ को अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अगर हरड़ को उबालकर खाया जाए तो दस्त बंद हो जाते हैं, वहीं अगर इसे खाने के साथ खाया जाए तो पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। अच्छी क्वालिटी की हरड़: जो हरड़ गोल, भारी, गुड़ की तरह टूटने वाली, पानी में डूबने वाली और लाल रंग की ज़्यादा रस वाली, थोड़ी सी कड़वी, खुद से टूटकर गिरने वाली और 22 से 25 ग्राम वजन की हो, वही हरड़ सबसे अच्छी होती है। सिर दर्द: आजकल हर इंसान तनाव से घिरा हुआ है, ऐसे में सिर दर्द होना काफ़ी आम बात हो जाती है। अगर हरड़ की गुठली को पानी के साथ अच्छे से पीसकर सिर पर लेप लगाया जाए तो सिर दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। बालों में यदि रूसी है, सिर में रूसी होना भी एक आम बात है, लेकिन यह दूसरी कई तरह की दिक्कतों को सामने लेकर आती है, जैसे कि इससे बाल झड़ने लगते हैं। अगर एक आम बीज चूर्ण और हरड़ के चूर्ण को बराबर मात्रा में लेकर दूध में मिलाकर सिर पर लगाया जाए तो इससे रूसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आँखों की बीमारी: अक्सर पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने से आँखों में जलन और दर्द होने लगता है। हरड़ को पूरी रात पानी में भिगोने और फिर अगली सुबह इसी पानी को छानकर अपनी आँखें धोने से आँखों में ठंडक आती है, जिससे आँख से जुड़ी हुई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। मोतियाबिंद एक ऐसी परेशानी है जो उम्र बढ़ने पर अधिकतर लोगों में पाई जाती है। अगर हरड़ का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मोतियाबिंद की परेशानी को दूर किया जा सकता है। हरड़ को पानी में 3 पहर तक भिगोकर रखें और फिर इसे आंख पर लगाने से मोतियाबिंद की समस्या में लाभ होता है। हरड़ की छाल को अच्छे से पीसकर आंखों पर लगाने से आंखों से पानी बहना बंद हो जाता है। खाना खाने से पहले रोज 3 ग्राम हरड़ का चूर्ण और 3 ग्राम मुनक्का के पेस्ट को मिश्री शहद या चीनी में मिलाकर खाने से मोतियाबिंद में फायदा होता है। जुखाम से दिलाए राहत: जैसे ही मौसम बदलता है अधिकतर लोगों को जुखाम हो जाता है। जुखाम अपने साथ कई बीमारियों को लेकर आता है, जिससे परेशानियां और बढ़ जाती हैं, लेकिन जुखाम में हरड़ का सेवन करने से यह इस समस्या को छुटकारा दिला सकता है।
मुंह की बीमारी में हरड़ है हितकारी। गले और मुंह से जुड़ी समस्याओं में भी हरड़ के फायदे सामने आते हैं। हरड़ के काढ़े या हरड़ चूर्ण के फायदे तब पता चलते हैं जब आप इसे ऐसी बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। 20 से 40 ml हरड़ के काढ़े में 3 से 12 मिलीलीटर 20 से 40 मिलीलीटर हरड़ के काढ़े में 3 से 12 मिलीलीटर शहद मिलाकर पीने से गले दर्द में आराम मिलता है। नियमित रूप से हरड़ चूर्ण का मंजन करने से दांत साफ रहते हैं, जो हमें हरड़ की चूर्ण के फायदे के बारे में बताते हैं। 10 ग्राम हरड़ को आधा लीटर पानी में उबालकर और उसके बाद काढ़े में फिटकरी घोलकर गरारे करने से बहुत ही कम समय में मुंह और गले से निकलने वाला खून बंद हो जाता है। ऐसे रोगी जो काफी लंबे समय से कब्ज की दिक्कत से जूझ रहे हैं, उनके लिए हरड़ रामबाण साबित हो सकता है। हरड़ के आयुर्वेदिक फायदे की वजह से लोग खुलकर इसका इस्तेमाल करते हैं। हरड़ का चूर्ण कब्ज को काफी आराम से खत्म कर देता है। यही वजह है कि हरड़ के चूर्ण में 2 से 5 ग्राम की मात्रा में से लेना चाहिए। हरड़, मुनक्का, छोटी इलायची और अड़ूसा यानी वासा की पत्ती, इन सब में सबसे बने 10 से 30 ml काढ़े में चीनी और शहद को मिलाकर एक दिन में 3 बार पीने से खांसी, सांस का फूलना और रक्त पित्त दोष में फायदा होता है। हरड़ और सौंठ को बराबर मात्रा में लेकर इसका चूर्ण बनाएं। इसे गुनगुने पानी के साथ 2 से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम लेने से पी लिया सांस फूलना और खांसी में फायदा होता है। कहा जा सकता है कि हरड़ के फायदे इतने हैं कि इसे कई सारी बीमारियों में ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाजमा करे ठीक, अगर भोजन करने के बाद हजम नहीं हो रहा है या फिर एसिडिटी वगैरह की दिक्कत हो रही है तो हरड़ का सेवन करने से हरड़ के फायदे सामने आते हैं। 3 से 6 ग्राम हरड़ के चूर्ण में समान मात्रा में मिश्री मिलाकर सुबह शाम खाने के बाद लेने से हाजमा बेहतर होता है, उल्टी बंद करता है। अगर खाना ठीक से ना खाने की वजह से उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा है तो हरड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 से 4 ग्राम हरण चूर्ण को शहद में मिलाकर लेने से उल्टी बंद हो जाती है, भूख बढ़ाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहता है जिसकी वजह से कुछ भी खाने का मन नहीं करता, ऐसे में भी हरड़ के फायदे देखने को मिलते हैं। हरड़ का मुरब्बा एक व्यक्ति में खाने की इच्छा को बढ़ाता है। हरड़ और सेंधा नमक के 2 से 5 ग्राम चूर्ण को पानी के साथ लें, लेकिन ऐसे में आपको दिन का और रात का खाना थोड़ी मात्रा में खाना होगा। हरड़ चूर्ण बनाने की विधि अगर किसी को सही से पता है तो उस व्यक्ति से आसानी से अपनी पूछ सकते हैं, अपनी भूख बढ़ा सकते हैं। पिपली, चित्रक और हरड़ को बराबर मात्रा में लेकर इनका मिश्रण बना लें। ऐसे में 2 ग्राम मात्रा को पानी के साथ लेने से खाने की इच्छा बढ़ने लगती है। अतिसार है, दस्त है, तो जिस रोगी को अतिसार या दस्त हो उसे बड़ी हरड़ और पिपली के 2 से 5 ग्राम चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लेने से फायदा होता है। बवासीर, आजकल की अनियमित जीवन शैली की वजह से कई लोगों में बवासीर की समस्या देखने को मिलती है। इस रोग के दर्द से राहत पाने के लिए हरड़ का काढ़ा बनाकर मशरूम को धोने से फायदा मिलता है। पीलिया में हरड़ का सेवन करने से काफी फायदा होता है। लोह भस्म, हरड़ और हल्दी को समान मात्रा में मिलाकर 50 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम लेकर घी और शहद से या सिर्फ 1 ग्राम हरड़ को गुड़ और शहद के साथ मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से पीलिया को दूर किया जा सकता है। पेशाब संबंधी बीमारी, पेशाब से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसे देर से पेशाब आना या फिर रुक रुक कर पेशाब आना, कम पेशाब आना, पेशाब करते हुए दर्द या फिर जलन होना आदि। हरड़ इन सब परेशानियों में बहुत फायदेमंद होती है। हरड़ धान्यक, यवासा और पाषाण हित को बराबर मात्रा में लेकर 500 ml पानी में उबालें
और इसे 250 ml शेष रहने पर उतार लें। अब इसे काढ़े में शहद मिलाकर सुबह दोपहर और शाम 10-30 ml की मात्रा में सेवन करने से पेशाब करने में परेशानी, पेशाब करने के मार्ग में जलन जैसे रोगों में फायदा होता है। डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए 2-5 ग्राम हरड़ के चूर्ण को 1 चम्मच शहद के साथ सुबह शाम लेने से डायबिटीज में फायदा होता है। हाइड्रोसिल 5 ग्राम हरड़ को 50 ml एरंड तेल तथा 50 ml गौमूत्र में पकाएं। जब सिर्फ तेल बच जाए तो छानकर गर्म पानी के साथ सुबह शाम लेने से हाइड्रोसिल की परेशानी को दूर करने में मदद मिलती है। टेस्टिस में सूजन, इस परेशानी में त्रिफला के काढ़े को पानी से काफ़ी फायदा होता है। 10-20 ml त्रिफला के काढ़े में 10 ml गौमूत्र डालकर पीने से टेस्टिस में हुई सूजन में राहत मिलती है। शरीर पर घाव, अगर किसी घाव को काफ़ी लंबा समय हो गया है और वह सूख नहीं रहा है तो हरड़ का इस्तेमाल काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। हरड़ के काढ़े से अगर घाव को धोया जाए तो यह घाव काफ़ी जल्दी भर जाता है। कुष्ठ रोग में होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए हरड़ काफ़ी फायदेमंद होती है। 20-50 ml गौमूत्र को 3-6 ग्राम हरड़ के चूर्ण के साथ सुबह और शाम लेने से फायदा मिलता है। गुड़, हरड़, मिर्च, सौंठ, तिल का तेल और पीपल को बराबर मात्रा में पीसकर 2-4 ग्राम रोज सुबह और शाम लेने से कुष्ठ रोग में फायदा होता है। हरड़ के नुकसान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर चीज के फायदे के साथ नुकसान भी हो सकते हैं, यही नियम हरड़ पर भी लागू होता है और इसी वजह से हरड़ का इस्तेमाल सही तरीके से और संतुलित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। हरड़ के फायदे और नुकसान काफ़ी हैं। चलिए हम हरड़ या हरड़ चूर्ण के नुकसान या फिर साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ जानते हैं। लैक्सेटिव प्रभाव की वजह से अगर इसे ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए तो इससे दस्त भी हो सकते हैं। गलत तरीके से सेवन करने से एसिडिटी या पेट में जलन हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को हरड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।